हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का टॉपिक है मोदी लाओ देश बचाओ। जी हाँ दोस्तों, शायद आपको पता नहीं कि इन 5 सालों में मोदी जी ने क्या क्या कर दिया। अगर आप जान जाएंगे तो मैं जानता हूँ कि आप वोट मोदी जी को ही देंगे। इसके लिए आप वीडियो एंड तक देखना ताकि आपकी समझ में आ जाए कि हमारे देश की तरक्की के लिए मोदी जी ही सर्वश्रेष्ठ हैं। तो चलिए देखते हैं 5 सालों में मोदी सरकार ने क्या किया। 2019 में मोदी सरकार के 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं कि किन वजहों से मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मोदी सरकार के कार्यकाल में न केवल जीडीपी बढ़ा है, बल्कि घाटे, सब्सिडी, लोन और कीमतों पर भी जोर दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने विदेशी निवेशों को काफी आकर्षित किया है और साथ ही जिन नौकरियों का उन्होंने वादा किया था उसे उन्होंने पैदा भी किया है। चलिए देखते हैं कि मोदी जी ने 5 साल में वो कौन से काम किए जो कांग्रेस पूरे 70 वर्षों में नहीं कर पाया। इसमें सबसे पहला है नोटबंदी। नोटबंदी के बाद भारत सन 2018 में फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। यह सन 2020 में यूके, जो कि 5वें स्थान पर है, उसकी जगह भी ले सकता है। सन 2000 के बाद से विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी 1.5% से 3.2% हो गई है। हालांकि इस अवधि में चीन का हिस्सा 3.6% से 15% हो गया है। मोदी जी के कार्यकाल में जीडीपी का विकास रिकॉर्ड पिछले 5 सालों में 7.6% रहा है। दूसरा, डॉलर के मुकाबले रुपया 18% गिरा। तीसरा, सन 2017 से 18 में कृषि क्षेत्र का जीडीपी में योगदान 15% गिरा है और आगे भी यह कम होता जा रहा है। चौथा, सब्सिडी भी नीचे आ गई है। सन 2012 से 2013 में कुल खर्च के 18.2% की सब्सिडी में सन 2016 से 2017 में 11.8% तक की कमी आई है। पांचवा, जांच में कमी। राजकोषीय घाटा 1% से अधिक नीचे आया है, जिससे सन 2013 से 2014 के बाद विश्व स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में कमी आई है। छठा, विदेशी निवेश में वृद्धि। मोदी सरकार के पिछले 4 वर्षों के दौरान 2017 से 2018 में विदेशी निवेश ने $61 बिलियन को पार करते हुए पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस निवेश का एक हिस्सा मौजूदा व्यवसायों को प्राप्त करने के लिए था, ना कि नए लोगों को स्थापित करने के लिए था। सातवां है, जॉब उत्पन्न करने में सरकार का कदम। सन 2016 में उन बेरोजगार लोगों की दर जो अपने लिए नौकरी की तलाश नहीं कर रहे थे 17.3% थी, जो जनवरी 2018 में 7.5% और दिसंबर 2018 में 9.8% तक पहुंच गई। आठवां, गरीबी में गिरावट भी आई है। सन 2004 से 2005 में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की दर 41.8% एवं शहरी क्षेत्रों में 25.7% थी, जो कि गिरते गिरते सन 2018 से अब तक में ग्रामीण क्षेत्रों में 4.25% एवं शहरी क्षेत्र में 3.79% हो गई है। ठीक है। नौवां, मोदी सरकार की चौथी वर्ष गांठ का समारोह। मोदी जी पिछले 4 सालों में अपनी सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए रैलियों को संबोधित करेंगे। पार्टी कई राज्यों में रैलियों का आयोजन करेगी। खासकर उन राज्यों में रैलियों का आयोजन किया जाएगा जो चुनाव
क्षेत्र से हैं, जैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश। मोदी जी द्वारा एक पुस्तक का शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें उनके पिछले 4 सालों में किए गए कार्यों का बखान किया गया है। इस साल मुख्य रूप से उन लाभार्थियों को आमंत्रित किया जाएगा जो कि उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी सरकार की गरीब परिवारों के लिए की गई पहलों में से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सरकार ने बैंकिंग, बिजली, टैक्सेशन एवं व्यापार रैंकिंग समेत कई कार्यों में आसान सुधार लाने के लिए कई कार्य किए। जैसे पहला है जीएसटी का कार्यान्वयन, दूसरा करदाताओं की संख्या में वृद्धि, तीसरा विदेशी निवेशकों के आकर्षण में वृद्धि, चौथा मजबूत अर्थव्यवस्था, पांचवा मेक इन इंडिया एवं डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, छठा स्वच्छ भारत अभियान, सातवां ग्रामीण भारत पर विशेष ध्यान, आठवां कीमत में कमी लेकिन रहने की लागत में वृद्धि, नौवां रोजगार निर्माण सबसे बड़ी चुनौती, दसवां विमुद्रीकरण और 11वां सर्जिकल स्ट्राइक आदि। इन सब के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। मोदी सरकार के द्वारा लागू की गई योजनाएं और अहम फैसले, जिसमें से बालिकाओं के लिए 2 हैं योजनाएं, गरीबों और अल्पसंख्याओं के लिए 6 योजनाएं, शिक्षा संबंधित योजनाएं 2 हैं, वृद्धों के लिए 3 हैं, अर्थव्यवस्था और नए उद्योगों और युवा शक्ति संबंधित योजनाएं 7 हैं, अन्य योजनाएं 10 हैं। ये सब मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा डिटेल्स में, ठीक है। अपने कार्यकाल में अभी तक एक भी दिन की छुट्टी लिए बिना नरेंद्र मोदी जी ने एक अपने कार्य को पूर्ण लगन से करने का प्रयास किया है। इसके चलते उन्होंने कई विदेश यात्राएं भी की। मोदी जी ने भीम ऐप लॉन्च किया। मोदी जी ने किसानों के लिए किसान चैनल लॉन्च करवाया। नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके बारे में और डिटेल से समझेंगे। अगर आपको मोदी जी अच्छे लगते हैं अपने देश के भविष्य के लिए, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि इस बार भी मोदी जी ही जीतें, ठीक है दोस्तों। अगर आप मोदी जी को जिताना चाहते हैं तो कम से कम एक शेयर तो बनता है।